सरकार जो भी कार्य करती है उसमें जनता की भागीदारी भी जरूरी होती है। वहीं सरकार को उन चीजों का रखरखाव भी करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और कौन सी चीज है जिसकी देखरेख जरूरी है, तो हम आपको बताएंगे किसकी देखरेख की जरूरत आ गई है आज। आज सुकेती खड़ के नए पुल को बने हुए 14 साल हो चुके हैं। यह पुल 1999 में धूमल द्वारा जनता के सुपुर्द किया गया था। इस पुल के बनने से जनता को बेहद फायदा मिल रहा है, क्योंकि वक्त के मुताबिक इस पुल की मंडी शहर को जरूरत थी, लेकिन हालात को देखते हुए आज यह पुल मेंटेनेंस की जरूरत महसूस कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें जनता की, तो जनता का क्या कहना है, आइए जरा सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और ला भी सकते हैं अगर लाना चाहो तो, पर अगर इसमें ध्यान दें, और ये भी अच्छा है उन्होंने ये सब किया, ये भी बहुत है, लेकिन इससे और इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं अगर करो तो। तो सुना आपने लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि पुल की उम्र ज्यादा हो सके। जनता और भी कुछ कह रही है क्या, जरा सुनते हैं। मेंटेनेंस तो होनी चाहिए, समय समय पर वो होनी चाहिए, किसी टाइम होनी चाहिए, जब भी काम चलेगा ना तो बना के एक वक्त चल जाओ तो फिर तो कोई मेंटेनेंस नहीं होगी। एक और जहां लोग सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए नजर आए, वहीं कुछ लोग सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार के इस तरह के कार्यों से जनता को फायदा मिलेगा और मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की कुछ ना कुछ अल्टरनेट्स निकालते रहें ताकि शहर में डेवलपमेंट हो सके, लोगों को फैसिलिटीज मिल सके। उधर यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हमारी टीम ने जब पुलिस कप्तान मोहित चावड़ा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। नया पुल मंडी की ट्रैफिक की एक लाइफलाइन है। रोजाना तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बसेस, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। इसमें कम्यूटर्स पैदल चलते हैं और ऐसा कभी भी क्षण नहीं देखा गया कि पुल बिजी डेज, बिजी आवर्स में फुल ना हो। तकरीबन हर समय ट्रैफिक यहाँ से गुजरता रहता है, तो नया पुल हमारे लिए एक लाइफलाइन है और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी हम बाईपास रूट्स और जो पुल हमारे लिए, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने विक्टोरिया के पास एक ऑल्टरनेट पुल का शिलान्यास किया, तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ हम ऑल्टरनेट रूट दे पाएँ लोगों को दें, ताकि एक शांति की व्यवस्था, एक ट्रैफिक की प्रॉपर व्यवस्था बनी रहे। मेरी भी पर्सनली लोगों से अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने साथी को और सामने वाले व्यक्ति को सेफ रखें। कोई पैदल चल रहा है, नया पुल की बात करें, कोई अगर पैदल कम्यूट कर रहा है तो उसको रास्ता दें। दोनों तरफ वॉकेबल ब्रिजेस बने हुए हैं, वॉकेबल फुटपाथ बने हुए हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी को रास्ता दें, बड़ी गाड़ी तकरीबन अकॉर्डिंगली रूल्स चले। गौर है कि यह पुल 1999 में उद्घाटन कर जनता के सुपुर्द किया गया था, जिसका फायदा आज जनता को खूब हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। बस सरकार और प्रशासन को इसके रखरखाव की ओर ध्यान देने की जरूरत है। के चैनल के लिए विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, ये तो सही है कि अगर सरकार और प्रशासन समय समय पर इन पुलों का रखरखाव का विशेष ध्यान रखेगा तो पुल की उम्र कम नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका फायदा जनता का भी होगा। आज इस पुल से जनता को बेहद फायदा मिला है और आने वाले समय में भी इसी तरह से लाभ मिलता रहेगा। इसके लिए जनता को भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। बहरहाल विशेष में इतना ही। विशेष के उस पार के चैनल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।